तो मॉनसून चरम पर है। देश के कई हिस्सों में आसमान से इस तरह पानी बरस रहा है मानो आफत बरस रही हो। रेतीले सूबे राजस्थान की आपको खबर दिखाते हैं, वहां से एक तस्वीर आई है। कोटा जिले में दरअसल मूसलाधार बारिश से बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। यहां कॉलोनी से लोगों को रेस्क्यू करने के लिए बोट का सहारा लेना पड़ा है। बाजार में पानी घुसा है या पानी में बाजार है, इन तस्वीरों को देखकर आप खुद तय कर लीजिए। राजस्थान के कोटा जिले की यह तस्वीर है। पिछले 3-4 दिनों में इतनी मूसलाधार बारिश हुई कि इलाका पानी पानी हो गया। बाजार में इतना पानी भरा कि मानो सैलाब आ गया हो। सड़कें इस तरह पानी से भर गईं कि इन पर चलना किसी जोखिम से कम नहीं है। इस ट्रैक्टर को देख लीजिए, ऐसा लग रहा है बीच दरिया में चल रही हो। इतना पानी कि पूछिए मत। समस्या आती है, 4 साल इधर पानी भर रहा है और कोई ना तो निगम पूछने आती है ना कोई मोहल्ले वाले शिकायत करते हैं, और उधर तोड़ने जाते हैं तो मना करते हैं और पानी उधर इधर ले रहे हैं या नाला कराने की सोच रहे हैं। लगातार हुई बारिश की वजह से कोटा जिले में कई जगह कॉलोनियों और बस्तियों में ऐसा ही मंजर है। बोरखेड़ा बस्ती और बालाजी नगर में कई लोग पानी भरने की वजह से अपने घरों में फंस गए, जिनको रेस्क्यू करने के लिए नगर निगम की टीम पहुंची। चर्च किधर है? तस्वीरें देखिए, रेस्क्यू टीम बोट लेकर पहुंच रही है और घरों की बालकनी में फंसे लोग जल्द पहुंचने का इशारा कर रहे हैं। एक और तस्वीर देखिए, भारी बारिश से बाढ़ आई तो कुछ लोग जमीन का कटान होने से टीले पर फंस गए। इन्हें किसी तरह रस्सियों के सहारे रेस्क्यू कर निकाला गया। कोटा जिले के इटावा और खतौली क्षेत्र में भी बारिश की वजह से बाढ़ के हालात उत्पन्न हो गए हैं और इस क्षेत्र के 50 से अधिक गांवों का संपर्क कट गया है। संजय वर्मा, कोटा, आज तक।